इंडस्ट्री दिता 5 रुपये यूनिट कह के 9 रुपये 10 रुपये यूनिट बिजली आ रही है। मैनू गोबिंदगढ़ की इंडस्ट्री मिली सी, मैनू लुधियाने के इंडस्ट्रीज मिले सी, सारे बेचारे उदास सी कि 9-9 रुपये 10-10 रुपये तो हूँ बिजली आ रही है। नाले वड्डी गल है कि हूँ बिजली के कट लगन लग गए, 4-4 घंटे 5-5 घंटे कट लगते हैं जो जनरेटर चलाते हैं तो उन्होंने 20 रुपये यूनिट पै रही है। पंजाब की इंडस्ट्री बिल्कुल तबाह हो गई है आ पॉलिसी कैप्टन कांग्रेस सरकार करके। जे वो सोचते हैं समझौते गलत है फिर 4.5 साल क्यों नहीं रद्द किए, सानू कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मैं बेनती एक गल करना चाहना है, इंतजाम लोगों को बिजली चाहिए है। 2.86 रुपये से असी समझौते किए, मैनू अज तक कोई भी समझौता लिया दो जिहड़ा 2.86 रुपये तो घट हुए। आ जिहड़े समझौते है वो एक मनमोहन सिंह जो फाइनेंस मिनिस्टर सी प्रधानमंत्री सी उन्होंने पूरे देश वास्ते एक फॉरमेट दिता जिदे फॉरमेट से हुए है। जे इन्हों रद्द करने है कर लो, सानू कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर बिजली का इंतजाम करो। रद्द करने बड़े सौखे है, बिजली पैदा करनी किवें लियाओगे, बिजली कितों लियाओगे, किस रेट से लियाओगे। हुणी बिजली महकमे ने इस साल 13-14 रुपये यूनिट बिजली खरीदी है, कि तुसी 14 रुपये खरीद के तुसी लोगों 20 रुपये दोगे बिजली की। कांग्रेस का प्रधान वो है, मुख्यमंत्री उन्हों का है, फैसला तो उन्होंने करना है, क्यों नहीं करते। बहुत वड्डा घोटाला कैप्टन की सरकार विच धर्मसोत उन्होंने मंत्री के अफसर मिल के किया, CBI की जांच हुई है। अज मैं अखबार पढ़ रहा सी कैप्टन साहब कोशिश कर रहे हैं कि CBI नूं कागज ना दिते जाण, किन्नी देर रोक लेंगे, 6 महीने बाद। असीं तां पहली मंग कीती CBI दी, करोड़ां रुपये गरीबां दी पढ़ाई का पैसा, तकरीबन 3 लाख गरीब बच्चे जिहड़े पढ़ सकते सी उन्हां दियां पैसा खा गए धर्मसोत वर्गे ऐसे बदनाम मंत्री, ते अज कैप्टन फिर तो बचाना चाहता उन्हां नूं, बचन नहीं देवांगे। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਬਠਿੰਡਾ ਚ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੱਲ SSP ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹ ਜਾਂਚ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੇ ਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ, ਹਾਲ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਝੂਠੀ ਸੌਂ ਖਾ ਕੇ, ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਝੂਠੀ ਸੌਂ ਖਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। 4.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰ ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਸਰ ਝੂਠ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲਣ, ਸੱਚ ਸੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੱਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸਤ ਕਰੇ ਉਹਦਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕੈਪਟਨ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਖੜ ਵੀ ਗਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਆ ਬੈਂਸ ਬ੍ਰਦਰ ਦੇਖੋ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਜਿੰਨੇ ਜਿੰਨੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰੂਗਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। GCT ਸਕੈਮ ਹੋਇਆ ਜੀ, 90 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੇਚੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਪਲਾ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਏ। ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਸੀਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜੇ ਅੱਜ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਾਂਗੇ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ 7.3। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
बच्चा बच्चा जानता है सब तो झूठा मुख्यमंत्री आज ये कोई पैदा होया कैप्टन है मैं तो असी पार्लीमेंट भी मैं हर रोज असी वही अंदर भी पार्लीमेंट के बाहर भी तो मैं सारी पार्टियां नाल लेके हूँ असी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ने भी टाइम लिता है उत्थे भी जावांगे जिथे जो जो फोरम साढ़े को है असी किसानां दी आवाज उठावांगे। इसे नाल जुड़िया सवाल है, एक पासे दा कांग्रेस सौं चुक समा मैं इको ही गल करना चाहना है जिवें दो दुश्मनों विच लड़ाई है दोनों दुश्मन एक दूजे तरफ उन्होंने अपने असले तान ले है हूँ देखता दोनों चो कौन मरदा तो कौन बचता है। एक सवाल थोड़ी सरकार दे विच बहुत माड़ी गल की है जी पेगसिस राही लोगों की कल पोलिटिकल बंदे नहीं हर बंदे दे इनफॉर्मेशन लैनी अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन स्पिरिट इंडिया की कोई पोलिटिकल स्टंट जिंदगी कोई पोलिटिकल स्टंट नहीं किया जो क्या असी किया असी कोई भी फैसला श्रोमणी अकाली दल कल्ली सारिया पार्टियां चो इको ही पंजाबियों की पार्टी है जी 100% पंजाबियों की पार्टी है तो इस करके असी जो पंजाब लई पंजाब के भाईचारे सांझ लई पंजाब दी लोगों को इकट्ठे जोड़ने लई जो असी फैसला लैने वो देख के करते हैं। बलविंदर लो तुसीं की कहो दी राजनीति कर रही है दूजी पार्टी पर आप भी कहते कि हिंदू डिप्टी बनावांगे असी नहीं वंडन नहीं असी नहीं नहीं असी क्या सारिया नूं एक प्लेटफॉर्म ते लैके आना असी कोशिश कर रहे हैं तुसीं देखिया होना अकाली दल बीजेपी दे अकाली दल की सोच की है भाईचारे सांझ अमन शांति जिमें मैं पहले कहा मैं जिहड़ी गुड़ती बादल साहब ने मैनूं दित्ती है कि पंजाब तरक्की उदों तक करूगा जदों तक भाईचारे सांझ ते अमन शांति रहेगी। सो इस करके आ एक मैसेज देना असी सारिआं नूं असी वैसे देख के नहीं कह सकते कि दो नो ये कोई धिरां नहीं है सारा आ जांदे इहदे च।